Assalamualaikum. My name is Aina Fajar. And my name is Zuhair Faiz. And today, in this video, we are going to share two tips related to Ramadan. My brother is younger, so he can go first. I don't mind. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। इसी वीडियो में हमारी दूसरी एडवाइस ये होगी कि कैसे हम सब मिलकर महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जी बच्चा, तेरी क्या तकलीफ है? एक्चुअली मेरी दो तकलीफ है। तो बच्चा बोलेगा भी या फिर चुप भी बैठे रहेगा? कुछ ना बोलो अम्मा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अच्छा, तो ये किस्मत का फड्डा है? पर ये किस्मत का फड्डा है क्या अम्मा? तो मसला ये है कि मेरे साथ वाली रेडी के पास इतने ज्यादा कस्टमर है, लेकिन मेरे पास एक भी नहीं। यार सुबह से बैठे कस्टमर नहीं आ रहा, सारे कस्टमर उसके पास जा रहे हैं। क्या करें, उसके पास क्या जादू है जो उसके पास जा रहे हैं? अच्छा, तो तुझे लगता है तेरी किस्मत खराब है और उसकी किस्मत चमक रही है? जी जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल सही। नहीं बच्चा, हजरत अली ने फरमाया कि हर इंसान को वो ही मिलता है जो उसकी किस्मत में लिखा हो, और किस्मत इंसान खुद ही लिखता है। वो कैसे अम्मा? अच्छा, तो ये बताओ, तुम कस्टमर को खराब फल देते हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, नहीं। तू झूठ बोल रहा है, तो ये क्या है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ₹800 किलो बहुत अच्छी है। बाजू ये जिसको देख रही हूँ वो भी ये ले बाजू। अच्छा, तो ये खराबी है? तो तूने कस्टमर को खराब फल दे के अपनी खराब किस्मत खुद लिखी है। अच्छा अम्मा, तो फिर मेरी दूसरी प्रॉब्लम। तो तेरा दूसरा मसला क्या है अम्मा? महंगाई बहुत ज्यादा है। अपने छोटे छोटे बच्चों की कटिंग करवाने जाऊँ तो फिर पैसे ज्यादा लेता है। भाई क्या हाल है, मुझे अपने छोटे छोटे बच्चों की कटिंग करवानी है। ये बच्चे आपके रेडी है? ये रेडी हो गए, ये ले पैसे दे दे आप। कितने पैसे भाई? 1000। हाँ, इतने ज्यादा? तो जब मैं आपके पास लेने गया था फ्रूट, आपने महंगा नहीं दिया था? बात तो सही है। इसी तरह स्कूल वालों ने बच्चों की फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। टीचर, मेरे छोटे छोटे बच्चे आके कह रहे थे कि आप लोगों ने फीस बढ़ा दिया है, अभी 2 माह पहले ही तो बढ़ाई है। तो भाई रमजान आ गया है, रमजान में सब लोग महंगी चीजें दे रहे हैं। इवन के जब मैं आपके पास आई थी आपने भी मुझे महंगे फल दिए थे। इसको देखो, सब्जी वाला कितनी महंगी सब्जी दे रहा है। भाई टमाटर किस हिसाब से है? 140। है इतना महंगा? और आलू का क्या रेट है? जी भाई, जब मैं आपसे फल लेने गया था तो आपने मुझे फल महंगा नहीं दिया था? आलू 80 रुपए किलो है। तोबा तोबा, चलो फिर दे ही दो। अच्छा, तो ये बताओ, तुम अपने कस्टमर्स को महंगी चीजें तो नहीं देते हो? बिल्कुल नहीं, 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 नहीं। क्या गवर्नमेंट जो तुम्हें रेट लिस्ट देके जाती है तुम उसी रेट पे बेचते हो? रेट लिस्ट तो मुझे मिलती ही नहीं है। झूठ झूठ बोल रहा है, ये देख। ये क्या सियापा यार, गवर्नमेंट तो सही रेट लिस्ट देती नहीं है, इसको तो मैं छुपाऊं। अच्छा माँ, तो ये मसला है। जी बच्चा, जब तू अपने कस्टमर्स को महंगा फल देगा तो बाकी भी तुझे महंगी चीजें देंगे। अच्छा, तो ये महंगाई मैंने फिलाई है अम्मा?
मैं वादा करता हूँ कि ना तो मैं किसी को महंगा फल दूंगा ना तो खराब फल दूंगा। तो बच्चों, जब हम जूते बेच रहे होते हैं, कपड़े बेच रहे होते हैं, फल बेच रहे होते हैं, सब्जी बेच रहे होते हैं और कुछ बेच रहे होते हैं, तो फिर हम अपना इखलाक बेच रहे होते हैं और फिर हम अपनी किस्मत खुद लिख रहे होते हैं। तो बच्चा, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो और ये चाहते हो कि दूसरे तुम्हें महंगी चीजें ना दें, तो फिर इसका खुद आगाज करो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी हैव शेयर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एंड दैट इज यू कैन बी एज रिच एज सक्सेसफुल एज योर क्रेडिबिलिटी। सो दैट नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर क्रेडिबिलिटी। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।